आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन अगर आपके फ़ोन में नहीं आता है, आपको साउंड नहीं आता है, आपको नोटिफिकेशन बार में शो नहीं होता है कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, जब आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो आप अपने मैसेज को रीड कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग्स को सबसे पहले ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स में आकर नीचे स्क्रॉल करके एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार। इस पे क्लिक करिए और उसके बाद ऑप्शन आएगा मैनेज नोटिफिकेशंस का, या फिर ऐप नोटिफिकेशन का, या फिर अलाउ नोटिफिकेशन का। तो जिस नाम से ये ऑप्शन होगा आपके फ़ोन में, इस पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ऐप नोटिफिकेशंस, और नीचे आप देख सकते हैं आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है सिंपली, और आपको मिलेगा यहाँ पर इस टाइप से व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप पे क्लिक करिए। अब उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा अलाउ नोटिफिकेशन, शो नोटिफिकेशंस, तो आपका ये बंद होगा इस टाइप से। तो इस ऑप्शन के सामने इस ऑप्शन को चालू करिए इस पर क्लिक करके। इस ऑप्शन को चालू करने के बाद यहाँ पर इस टाइप से लॉक स्क्रीन का ऑन होना चाहिए बैनर सेलेक्ट करिए, और नीचे स्क्रॉल करके चैट्स में जाकर ग्रुप नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिए। अगर कोई ऑप्शन बंद रहता है तो इस टाइप से सारे ऑप्शंस को चालू कर दीजिए। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग्स नहीं मिलेगी आपको, तो व्हाट्सएप पे क्लिक करके रखिए। उसके बाद ऐप इन्फो पे क्लिक करिए, यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इतनी सेटिंग्स करने के बाद अब अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करिए। ऊपर 3 डॉट यानी कि 3 डॉट पे क्लिक करिए, उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो सेटिंग्स पे क्लिक करिए। अब उसके बाद ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ऊपर फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शन आएगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स, तो इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा रीसेट का, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे, और आपकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स को रीसेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब आपके फ़ोन में व्हाट्सएप के मैसेजेस यानी कि नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।